चलिए क्वेश्चन नंबर 19 था जो कि हम कर लेते हैं, एक फटाफट से ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं। और हमारे पास ना इतना टाइम नहीं है कि हम छोटी छोटी चीजों में टाइम खराब कर दें। ब्रांच अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, एक बार सवाल भी पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? क्वेश्चन में क्या कहता है? फ्रॉम द डिटेल गिवन ऑफ द रिलेटेड पटना ब्रांच, पटना का ब्रांच है फॉर द ईयर एंडेड और साल के एंड का। सर थोड़ा और चैप्टर, एक मिनट, क्वेश्चन करा। हाँ क्वेश्चन तो करेंगे, अभी बड़े सारे ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं इसमें, ऐसा नहीं है कि अभी खत्म हो जाएगा। तो कहता है फ्रॉम द डिटेल गिवन बिलो, आपको ब्रांच गिवन है और 31 मार्च प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट एंड ब्रांच डेटर अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट, हेड ऑफिस, क्लियर गुड्स आर इनवॉइस। अब देखिए इस सवाल के अंदर ना क्या कहता है, क्या क्या बनाना है। आपको दे रखा है कि 31 मार्च का डिटेल है, प्रिपेयर करना है आपको ब्रांच अकाउंट। जब बोले ना ब्रांच अकाउंट, तो ये वाला बनता है हमारा डेटर सिस्टम, ये बन जाता है हमारा डेटर सिस्टम, ये बन जाता है हमारा डेटर सिस्टम, ठीक है ना? जब ब्रांच अकाउंट बोले तो डेटर सिस्टम है, जब ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोले तो बन जाता है स्टॉक डेटर सिस्टम। तो पहचानना भी आना चाहिए आपको। तो ये बन गया हमारा डेटर सिस्टम। और आगे कहता भी है ये डेटर अकाउंट बनाइए, हेड ऑफिस के बुक्स में वर्किंग नोट क्लियरली शो करना है। इनवॉइस कहता है कि 20% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर सर 20% है, सेल्स के ऊपर 20% है, ठीक है ना? चलिए कहता है स्टॉक 1 अप्रैल का, तो यानी सर ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट नहीं बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे हम बताइए? यहां पे बनेगा हमारा ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट की खास बात क्या थी, ब्रांच अकाउंट की खास बात क्या थी आपकी, कि सर ब्रांच अकाउंट के अंदर सारे ओपनिंग बैलेंसेस आ जाते हैं, टू बैलेंस बीडी, एक बच्चे का डाउट था और बाकी समझ लेंगे, बाय बैलेंस सीडी, ये स्टॉक सारे बैलेंस। तो स्टॉक का बैलेंस आपका 5,000, स्टॉक दे रखा है आपको 5,000। और एक सवाल ना आपके मन में भी आएगा कि स्टॉक कितने का है सर, 5,000। एक आपके माइंड में सवाल आएगा कि जो स्टॉक दे रखा है ना आपको 5,000 रुपये, ये 5,000 रुपये जो स्टॉक है ये इनवॉइस प्राइस पे या कॉस्ट प्राइस पे? तो जब कुछ भी ना बोला हो तो क्वेश्चन में कह देता है कि गुड्स आर इनवॉइस्ड गिवन प्रॉफिट 20%, यानी जितने भी यहाँ पे गुड्स मिलेंगे ना उस सब में ऑलरेडी प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो बात? अगर कहीं पे इसके ब्रैकेट में, मान लो इसके ब्रैकेट में लिख देता कॉस्ट, इसके ब्रैकेट में कॉस्ट, तो हमें क्या करना होता, हमें क्या करना होता, हम क्या करते, हम यहाँ पे ये 5,000 नहीं लिख सकते थे, पहले इसमें हम प्रॉफिट को ऐड करते और फिर इस स्टॉक को दिखाते। समझ में आ रही है मेरी बात आपको? कि अगर आपको कुछ सवाल आपको इनवॉइस प्राइस पे हो और कुछ एक पॉइंट कॉस्ट पे हो, तो आपने क्या करना है, सभी को इनवॉइस में कन्वर्ट करना है जो पहले से किस पे है, कॉस्ट पे है, क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। स्टॉक दे रखा था सर, डेटर दे रखा है, डेटर लिख लिया। और सवाल में मजे की बात देखो, डेटर अकाउंट भी बोला है बनाने को। अगर डेटर अकाउंट बोला हुआ है बनाने को तो वेरी सिंपल, हम डेटर अकाउंट बना लेते हैं, एक अलग से पेज पर डेटर अकाउंट बना लेते हैं, दो ही अकाउंट तो बोले हैं। एक अलाउंसेस वाला भी बच्चों ने बोला, सर अलाउंसेस वाला भी बता देना, बिल्कुल बता देंगे अलाउंसेस वाला भी। अलाउंसेस ये बना लिया हमने, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट। चलिए सर
अलाउंसेस वाले की बात कर रहे थे। ठीक है, डेटर का हमारा बैलेंस 2000 था, यहां तो लिख ही लिया, यहां भी लिख लेते हैं टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितने का? 2000। कितने थे? 2000। चलिए सर आगे आ जाते हैं। अब आगे क्या कहता है? आगे कहता है हमारा फर्नीचर का बैलेंस है, पेटी कैश का है, तो फर्नीचर, फर्नीचर कितना है? 1000। पेटी एक्सपेंस कितना है? पेटी एक्सपेंस 200 रुपया। पेटी एक्सपेंस के बाद इंश्योरेंस प्रीपेड, तो ये भी तो एसेट्स है, ये भी तो एसेट्स है ना प्रीपेड, तो प्रीपेड इंश्योरेंस कितने रुपए? 50 रुपए। ठीक है, इसके बाद सैलरी ड्यू। अब ध्यान रखिए जो सैलरी ड्यू है ये आउटस्टैंडिंग है, तो एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस इधर और लाइबिलिटी का इधर, तो बाय ओपनिंग, ओपनिंग सैलरी आउटस्टैंडिंग। पॉइंट ध्यान रखने वाली बात है, मैं अगेन कह रहा हूं कि एसेट्स का इधर बीडी तो लाइबिलिटी का इधर आ जाएगा। कितना है हमारा? 1000 रुपया। ठीक है, गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000, तो मैं इसे अलग कलर से लिख देता हूं, गुड्स सेंट टू ब्रांच, टू गुड्स सेंट, गुड्स सेंट टू ब्रांच कितने? 40,000 रुपए, गुड्स सेंट टू ब्रांच 40,000 जी। और क्या है? और हमारा है गुड्स सेंट टू ब्रांच के बाद कैश सेल्स। सर यहां पे कैश सेल्स बाय में आएगा, कैश सेल्स बाय में आएगा, बाय में क्या आता है हमारा? रेमिटेंस आता है इस वाले पॉइंट में, तो रेमिटेंस, और यहां आएगा कैश सेल्स। मैं शॉर्ट में लिख सकता हूं कई बार, तो आप बस वर्ड को ध्यान दीजिए। सर कैश सेल्स कितने का है? 1000 रुपए का कैश सेल्स। ओके, 55,000। ठीक है, कैश सेल्स के बाद टोटल सेल्स, टोटल सेल्स 70। दिमाग लगाइए, अगर हमारा टोटल सेल्स 70,000 है जिसमें 55,000 रुपए कैश में है, तो जो बचेगा, जो बचा हमारा कितना? 15,000। ये कौन सा सेल्स होगा? ये होगा हमारा सर क्रेडिट सेल्स। ये कौन सा सेल्स होगा? इस पूरे अकाउंट में क्रेडिट सेल्स का काम नहीं है, लेकिन हाँ डेटर में काम आएगा। क्या नाम आएगा आपका? क्रेडिट सेल्स। और क्रेडिट सेल्स कितना है हमारा? 15,000। समझ में आया आपको ये बात? ये बात क्लियर है आपको? यहां तक पॉइंट क्लियर है? सर जिस टॉपिक में क्लियर हो जाए सर, जिससे कुछ बच्चे हैंड रेज भी कर रहे थे, देखिए यहां तक क्लियर है आपको सारी बातें? चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम, इसके बाद आ जाते हैं आगे, हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, डेटर से 16,000 मिला है, तो यहां पे आ जाएगा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर कितने? 16,000 रुपए, और इसकी डबल एंट्री भी हो जाएगी, कैश और डेटर से कितने का? 16,000 रुपए। चलिए इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच, ब्रांच ने किया है तो बाय रिटर्न क्या आएगा सर? बाय रिटर्न, बाय रिटर्न, रिटर्न कितने का रिटर्न है सर? 500 रुपए। गुड्स रिटर्न कितने का? 500 रुपए बाय। इसके बाद कहता है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच के बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने रिटर्न किया, तो यहां डेटर का रिटर्न का कोई काम नहीं है, डेटर का रिटर्न डेटर में जाएगा। बाय रिटर्न कितने रुपए था? 200 रुपए। कितने रुपए था हमारा? 200 रुपए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं सर, कुछ खर्चे हैं। अब इन खर्चों को किसने दिया है ये चेक करना होगा, क्या हेड ऑफिस ने इस खर्चे को दिया है या किसने दिया है? तो सवाल में कहता है इन खर्चों को गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय डेटर, इसके बाद कैश सेंड टू ब्रांच। इसका मतलब सेंड टू ब्रांच का मतलब सर इस लाइन से क्लियर हो जाता है कि हेड ऑफिस ने पैसे दिए हैं। ठीक है, तो कौन खर्चा कर रहा है? एचओ, तो यहां पे लिखेंगे हम एचओ कर रहा है, तो यहां पे लिखेंगे क्या क्या है सर? रेंट, रेंट कितने का है? रेंट कितने का है? 3600। रेंट के बाद सैलरी, सैलरी कितने का है? 10,200। 10,200
10,200। सैलरी के बाद क्या है? पेटी कैश। पेटी कैश कितने हैं? 600 रुपये। पेटी कैश हालांकि अलग लिखना चाहिए हमें, ये अलग ही कहानी होती है इसकी, हम अलग से इधर लिखेंगे पेटी कैश। पेटी कैश तो देखो दो तरीके के जगह पे पेटी कैश यूज होता है। अगर आपका हो डेटर सिस्टम तो पेटी कैश ऐसे करना है जैसे हम कर रहे हैं। स्टॉक डेटर सिस्टम में तो पेटी कैश का अकाउंट बना के वहां से क्या निकाल लेते हैं अपन? कंज्यूम, और फिर पुट करते हैं हम उसके अंदर। चलिए सर यहां तक आ गए। कहता है इंश्योरेंस अप टू डेट 2021। इंश्योरेंस अप टू डेट 2021 इसको समझते हैं, जून 21 की बात कर रहा है। इंश्योरेंस अप टू डेट जून 21। अब हमारा 31 मार्च 21 को ही अकाउंट खत्म हो गया, यानी सर हमारा ये पूरा साल यहां तक था 1/4/2020, और सवाल में कहता है आपका काम खत्म हो जाता है 31/3/2021, यहीं तक खत्म हो जाता है। लेकिन आपने इंश्योरेंस क्या करा, यहां से यहां तक का पेमेंट नहीं किया, इसके आगे भी चले गए आप। कब तक चले गए? 30/6/2021। यानी सर इतना टाइम पीरियड जो है ये टाइम पीरियड आपने एक्स्ट्रा पेड कर रखा है। ये टाइम पीरियड आपने कितना पेड कर रखा है? एक्स्ट्रा। तो इसमें मजे की बात है, यही इसके अंदर ट्रिक है पूरे सवाल में, एक्स्ट्रा पेड कर रखा है सर। कितना एक्स्ट्रा पेड कर रखा है? अब देखो 400 रुपये। अब हमारा पुराना भी चल रहा था तो पुराने को छोड़ो, हम 400 रुपये देखेंगे। हमने यहां 400 रुपये पेड किया। अब 400 रुपये पेड जो पेड किया है यहां तक पेड किया है, यानी सर यहां से लेके यहां तक का पेमेंट है। कितने महीने हो गए? कितने महीने हो गए? 12 महीने और 3 महीने। कितने? 15 महीने। तो 400 को हम डिवाइड कर देंगे 15 से, और हमारा 3 महीने का एक्स्ट्रा है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आता है? चेक करिए क्या आता है, 400 डिवाइडेड बाय 15 × 3 सर ये 80 रुपए आ गया, 80 रुपीज। ये 15 महीने का है, ये एक बार देख लेते हैं क्योंकि यहां पे एनुअल वर्ड एक चीज नोट देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं नोट दे देंगे, 80 रुपए आ गया। यानी सर 80 रुपए हमारा प्रीपेड है, तो यहां का इंश्योरेंस कितना बनेगा? यहां का इंश्योरेंस कितना बनेगा? इंश्योरेंस था हमारा 400 रुपये। इंश्योरेंस था हमारा, पेटी कैश क्या था बताना अमाउंट एक बार? पेटी कैश क्या? हाँ 600 लिख दिया, 600। इंश्योरेंस बनेगा कितना? इंश्योरेंस था 400, उसमें से प्रीपेड कितना है? 80। तो यहां पे जो आएगा वो आएगा 320, ठीक है ना। और बैलेंस सीडी जब लिखेंगे तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस सर, प्रीपेड इंश्योरेंस कितना होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा हमारा 80 रुपये। 80 रुपये, समझ में आई बात आपको? क्योंकि प्रीपेड अभी लास्ट ईयर का है, इस साल का है, इस साल का क्लोजिंग एसेट्स हो जाएगा वो, तो सारे के सारे क्लोजिंग एसेट्स यहाँ एक एक करके लिखेंगे, जिसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस भी आ गया। सर ये वाला प्रीपेड इंश्योरेंस का कुछ नहीं करेंगे क्या? ऑटोमेटिक आ गया, ये ओपनिंग बैलेंस का था, ये आ गया हमारा ऑटोमेटिकली, ठीक है। चलिए कहते हैं पेटी एक्सपेंस इनकर्ड बाय ब्रांच। ये पेटी खर्चे जो है इनकर्ड किए किसने? ब्रांच ने इनकर्ड किए। इसका मतलब सर हमारे पास स्टार्टिंग में पेटी एक्सपेंस था कितने रुपए का? 200 रुपए का, और हेड ऑफिस ने हमें भेजा 600 रुपए, तो हमारे पॉकेट में कितने रुपए थे? 800 थे, और हमने खर्च कर डाले। कितने खर्च कर डाले? 500 रुपए। तो बचा कितना हमारे पास? 300 रुपए बैलेंस बच गया। तो यहां पे लिखेंगे हम पेटी एक्सपेंस, पेटी एक्सपेंस कितना लिखने वाले हैं? 300 रुपए। पहले बताइए समझ में आए नहीं आए, क्लियर है? इंश्योरेंस वाला भी बताते हैं। इंश्योरेंस वाले में क्या कहता है, मैं यहां पे अजम्पशन ले रहा हूं, हालांकि यहां पे दो सवाल के आंसर हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है उसने कहा कि हमारा इंश्योरेंस इस तारीख तक है, तो सर इसका मतलब साल जब हमारा यहां खत्म है तो इसके आगे जितना भी पेमेंट करोगे वो रहेगा प्रीपेड। मैं दोबारा बता रहा हूं इंश्योरेंस वाला, तो भैया अब ऐसा सवाल है कि या तो आपने इस डेट पे इंश्योरेंस कराया होगा, तब तो यहां से यहां तक 15 महीने का है, या कहीं आपने बीच में कराया होगा तो 12 महीने का। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है, डिवाइडेड बाय 12 × 3, 100 रुपए का प्रीपेड हो सकता है, ये आंसर भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है सवाल में कहीं भी, सवाल में बस बोलता है कि जो इंश्योरेंस है
वो इंश्योरेंस पेड हमने किया है अप टू जून, ये तो नहीं बोला कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक, तो हमारी मर्जी है हम 15 महीने का मान ले, हमारी मर्जी है हम 12 महीने का मान ले, दोनों ही कंडीशन में नोट देंगे कि इस इंश्योरेंस का इतना टेन्योर है, तो हमारा सवाल एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक क्या आता है? तो सर स्टॉक कितने का है? सर स्टॉक है हमारा 3,000 रुपए, लिखते जाते हैं फटाफट। डेप्रिसिएशन फर्नीचर, अब देखते हैं स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, डेटर नहीं हुआ, डेटर तो निकलेगा अभी, डेटर पीछे से निकालते हैं, डेटर आ जाइए, डेटर निकालते हैं, बाय बैलेंस, बाय बैलेंस सीडी, सर डेटर निकलेगा क्या? बिल्कुल निकलेगा, 17,000, और इधर भी कितना आएगा? 17,000, 16,200 माइनस करेंगे 17,000 में से तो कितना आ जाएगा? 800 रुपये निकल गया। लो जी डेटर, डेटर कितना आ गया? 800। समझ में आया डेटर कैसे आया 800 हमारा? ठीक है, इसके बाद डेटर भी हो गया। फर्नीचर कहता है फर्नीचर पे 20% डेप्रिसिएशन, तो फर्नीचर अगर मैं यहां लिखूं 1,000 पे 20%, तो ये भी कितना बचेगा? 800। कैसे सर? 1,000 में 200 रुपये माइनस कर देंगे। इसके बाद पेटी एक्सपेंस भी लिख चुके हैं, प्रीपेड भी हो चुका है हमारा, यानी हाँ क्या रह गया? अच्छा यहां तक सारा हो गया, क्लियर है यहां तक? अब लोडिंग निकालने का काम होगा। कहता है सेल्स पे ही 20% है, तो बस डायरेक्ट डायरेक्ट निकालना है लोडिंग। लोडिंग में हरे पेन से निकाल देता हूं, तो बाय लोडिंग, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोडिंग, किस किस पे? ओपनिंग स्टॉक पे 5,000 का 20%, 1,000, और किस पे? गुड्स सेंट पे, गुड्स सेंट पे, गुड्स सेंट कितना है? 40, 40 का कितना होगा? 8,000। लो जी टोटल आ गया 9,000, और तो किसी पे लोडिंग निकलेगा नहीं। इधर से देख लेते हैं लोडिंग, इधर से देख लेते हैं लोडिंग क्या होने वाला है। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो यही रह गया, रेमिटेंस इस सब, इस पे भी लोडिंग नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा, इस पे भी नहीं होगा। रिटर्न, रिटर्न पे होगा, टू लोडिंग, टू लोडिंग किस पे सर? रिटर्न पे कितने रुपए आएगा? 100 रुपये आएगा। रिटर्न के बाद इस पे तो होना ही नहीं है, होना ही नहीं, होना नहीं। स्टॉक पे क्या आएगा? लोडिंग, लोडिंग स्टॉक पे आएगा, स्टॉक पे कितना आ जाएगा हमारा? 600। यहां तक समझ में आ गया? इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ताकि हम कर पाए। चलिए सर यहां तक हो गया, यहां से निकालेंगे फटाफट से क्या प्रॉफिट, डेटर अकाउंट क्लोज हो ही गया, तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या बनता है, क्या क्या बनता है। 5,000, 2,000, 1,000, 250, 8,250, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 3,600, 10,200, 13,800, सर यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 71। चलिए और तो कुछ नहीं रहा, सैलरी से रिलेटेड कोई बातें? छियासी, छियासी टू सरप्लस माइनस कर देते हैं 8,250 माइनस 40,000 माइनस 13,800 माइनस 320 माइनस 600 माइनस 100 माइनस 600 22,810। बुक का आंसर बताइए, कुछ फर्क आएगा इसमें? अब यहां पे नोट डालेंगे कुछ, जिस नोट को डालने के बाद इस फर्क का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बताइए आंसर, 750 है ना, तो 810 और हम इधर माइनस करेंगे और इधर प्लस करेंगे, माइनस 22,750, 60 रुपये का, 60 रुपये यानी 20, 20, 40, 60 रुपये का फर्क, 60 का तो नहीं आना चाहिए,
आप प्रीपेड इंश्योरेंस देखिए क्या है, 100 दे रखा है, यानी यहाँ 100 आ जाएगा तो 20 इधर से बढ़ जाएगा, और इधर कितना घट जाएगा हमारा, 20 और घट जाएगा, हाँ ठीक है 60 का फर्क आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो नोट क्या दे रहे हैं हम, वी अज्यूम प्रीपेड इंश्योरेंस विल बी टेकन फ्रॉम 1/4/2020, यानी हमने माना कि इंश्योरेंस हमने कब लिया, 2020 में। आपके किताब का आंसर एग्जैक्ट सेम आ जाएगा जब आप यहां पे क्या कर देंगे 100, और यहां पे इसके जगह पे क्या कर देंगे आप 300। समझ में आई बात आपको, तो यहां से 100 करेंगे तो मैं टोटल भी कर देता हूं किताब के आंसर से, लेकिन ऐसा नहीं है कि किताब में जो लिखा है वो अपने अजम्पशन है उनके, 20 प्लस हो जाएगा और यहां पे 40 माइनस हो जाएगा, माइनस 40 हो जाएगा, कितना बताया था आपने आंसर 810 में ये लिख लेता हूँ, यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये 20 प्लस होगा, प्रॉफिट बढ़ के आएगा 20 से, माइनस 40 750 नहीं, फिर तो कोई गड़बड़ी है, किसी की लोडिंग रह गई निकालनी सर, गलत है 340 इंश्योरेंस, बच्चे कह रहे हैं सर इंश्योरेंस 300, सर आपने क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ कंसीडर किया, ओके ठीक है, इसमें कुछ ना हमारे अजम्पशन है, इस अजम्पशन के वजह से बच्चे परेशान भी हो रहे हैं, मैं एक बार वो क्लियर कर दूं बुक के आंसर को, आपके पास है बुक दिखाइए, बुक के आंसर को क्लियर कर दूं क्या क्या अजम्पशन है जो मैंने अजम्पशन लिया है। सवाल नंबर 19, पहला हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस जिसकी वजह से फर्क आएगा, करेक्ट, किसकी नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग कर लिया होगा ना, बस इंश्योरेंस का ही है, और हालांकि प्रीपेड इंश्योरेंस ओपनिंग ऐड हो चुका है, ठीक है चलिए, नहीं ये बिल्कुल उसने जो इंश्योरेंस है ना, बच्चे कह रहे हैं सर यहां पे इंश्योरेंस ना 400 ही आएगा, यानी ओपनिंग में कुछ था क्या 50, 50 के बाद अगर देखा जाए तो 50 और था 400 और प्रीपेड 100, 50 400 नहीं, रहने दीजिए आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी फिलहाल के लिए आप इसको ये मानिए, बुक के अंदर क्या करा है, एक तो हमने एक नोट हमारा देखिए, हम क्या मान रहे हैं कि बुक में यहाँ इंश्योरेंस, बुक वालों ने माना है कि इंश्योरेंस हमारा 12 महीने का है, तो उनका प्रीपेड ये निकल गया 100 रुपये, एक तो ये दिख रहा होगा, दूसरा आप जब डेबिट साइड में देखेंगे तो डेबिट साइड में 400 रुपये का इंश्योरेंस दे रखा है, 400 रुपये का इंश्योरेंस, ओके 400 का पूरा इंश्योरेंस आएगा, ठीक कह रहे हैं, एक एरर मेरा भी है, ऐसा नहीं बुक वालों का, तो हमारा जो इंश्योरेंस आएगा ना यहाँ पे, वो यहाँ पे जो आएगा वो 400 ही आएगा, यहाँ जो आएगा वो 400 आएगा। अब प्रॉफिट दोबारा, सर ऐसा क्यों प्रीपेड क्यों नहीं माइनस किया, अब ध्यान देना इस चीज को मैं समझाता हूँ, इस चीज को मैं समझाता हूँ, ये मान लो अकाउंट है हमारा, और ये हमारा प्रीपेड प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट है, करेक्ट, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ये एसेट्स है तो टू बैलेंस बीडी आ जाएगा, है ना, और बीडी देखा जाए तो 50 था, अब जितना ज्यादा प्रीपेड होगा वो बढ़ेगा तो इधर आ जाएगा, जितना इंश्योरेंस हम देते जाएंगे इधर आएगा, और बाई साइड में क्या आएगा, बैलेंस बैलेंस सीडी आ जाएगा, तो हमने टू इंश्योरेंस किया सर, टू इंश्योरेंस किया कितने का, 400 रुपये का, तो कितने टोटल हो गए 450, अब 450 में क्लोजिंग आप बोल रहे हो कि सर आप बोल रहे हो 80 है,
तो आपने यूज कितना किया होगा, यूज कितना किया होगा, 450 में से 80 माइनस करिए, कितने 370 यूज किया है। ठीक है, अगर आप इसको मानते हैं कि आपने 100 किया है तो कितना आएगा, कितना आएगा 350, यही दोनों चीजें आएंगी। अब देखिए आपने क्या करा, इन दोनों को लिख दिया और इधर सीडी लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्शन यही आएगा ना। अगर आप इधर दोनों चीजें लिख दो और इधर भी लिख दो तो जो डिफरेंस निकल के आएगा वो यूज वाला आ जाएगा। तो इस अकाउंट को आप ध्यान से देखो, मैंने बीडी भी लिख दिया और सीडी भी लिख दिया, तो यहां पे हमें पूरे 400 रुपए लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस तो आ ही गया, समझ रहे हो, जैसे कि हम डेटर में बोला करते थे, जैसे पेटी कैश, पेटी कैश में देखो ओपनिंग इधर आ गया, क्लोजिंग इधर आ गया और हेड ऑफिस में, तो बीच का डिफरेंस कंज्यूम ऑटोमेटिकली इस अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। समझ रहे हो बात को, कि कंज्यूम जो था रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये थोड़ा सा बस करेक्शन लगा देता हूं मैं, 22810 और जो मैंने 320 किया था पहले, पहले कितना किया था 320, तो 80 और माइनस कर देते हैं 730 होगा, और 30 रुपए का फर्क वही वाला आ रहा है हमारा 22730, जो हमारे नोट की वजह से। क्लियर, क्लियर है, जो हमारे नोट के। समीर आपको क्लियर हो गया, क्लोजिंग लाइबिलिटी क्यों लेंगे, क्योंकि हमारा ओपनिंग तो ले लिया, जरूरी थोड़ी ना है कि क्लोजिंग में भी लाइबिलिटी हो, बुक वालों ने ले लिया हो तो उसको हम कंसीडर नहीं करते। अगर जब तक नहीं बोलता क्लोजिंग लाइबिलिटी के बारे में, ये यूज हो गया ना सैलरी के साथ सेट ऑफ हो गया होगा, क्लियर है। आगे और कौन सा सवाल था आपका, सवाल कौन सा था इसके बाद डाउट में, फिफ्टीन एक बार दिखाओ बुक, इसमें गुड्स एंड कॉस्ट, तो इस पे आईपी बनाना पड़ेगा, कैसे बनाओगे, 50% कॉस्ट, तो इस पे 50% वापस ऐड कर दोगे, बिल्कुल, क्योंकि ये भी कॉस्ट है और वो प्रॉफिट भी किस पे है, कॉस्ट पे है, 50 ऐड करोगे 17, तो 17 ऐड करके वो बन जाएगा। ठीक है,